Hello everyone, how are you all? You're watching Ing Wing with your friend Kulvinder. So today we are going to learn idiom. So the idiom of the day is heart in mouth. Okay, heart in mouth. Heart in mouth is a situation when you are freaked out, when you are anxious, or when you are nervous about something. Okay, something can be happen. What is going to happen? It can be favorable situation. It can be unfavorable. Okay. तो कोई ऐसी चीज जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा नर्वस हो, एंक्शियस हो, डरे हुए हो और आपका डर के मारे आपके जो जान प्राण है वो सूख रहे हैं. यू आर वेरी नर्वस और समथिंग. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन यूज द वर्ड हार्ट इन माउथ. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जैसे मैंने बोला हो कि व्हेन इट वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू. ओके, तो किसी और के बारे में बताने से पहले लेट मी शेयर माय एक्सपीरियंस. लाइक व्हेन इट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू. ओके, सो समहाउ आई नो दैट यस आई विल क्रैक द इंटरव्यू, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू नो दिल के अंदर कहीं वो थक 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 हो रही थी ना. सो आई वाज वेरी नर्वस, आई वाज फ्रीकिंग आउट व्हेन इट कम्स व्हेन आई वाज वेटिंग माय टर्न. ओके, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई विद सेंटेंस आई कैन मेक दैट आई हैड माय हार्ट इन माय माउथ. कि मेरा जो दिल था वो मेरे मुंह में आ गया था भाई, कलेजे सूख गया था डर के मारे. ओके, व्हेन आई वाज वेटिंग फॉर माय टर्न. ओके, इसके अलावा यू कैन यूज लाइक यू नो व्हाट यू डिड इन योर एग्जाम. कि आपने एग्जाम में क्या लिखा, क्या लिया लिखा. ओके, सो यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं होगा. ओके, कि आपको लग रहा है कि भाई आप फेल भी हो सकते हो. ठीक है, तो व्हेन यू हियर दैट यस कि जो भी रिजल्ट है वो आने वाले हैं, यू आर एक्सपेक्टिंग योर रिजल्ट. ओके, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन से दैट माई हार्ट इज इन माई माउथ एज आई एम वेरी नर्वस एंड आई नो आई डिड नथिंग इन माई एग्जाम, सो आई एम वेरी नर्वस. ओके, माई हार्ट इज इन माई माउथ. और ऐसा हो चुका है तो आप बोल सकते हो आई हैड इन माई हार्ट इन माई माउथ व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग माई रिजल्ट. ओके, इसके अलावा लेट मी शेयर कि अगर कोई लड़का या लड़की अपनी फ्रेंड को, मतलब मान लो एक लड़का है, ठीक है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने फैमिली के साथ मिलवाने के लिए गया. ओके, जैसे एक लड़की है वीरा. ओके, तो उसका जो बॉयफ्रेंड है, ओके, वो उसको उसके मम्मी के पास लेके गया. ओके, सो व्हेन हिज बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस्ड वीरा टू हिज फैमिली, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वीरा हैड हर हार्ट इन हर माउथ एज she was very confused, she was very nervous, she was not sure ki she would be accepted by his family or not, ki uski family usko accept karegi ya nahi karegi. Okay, so in this way you can use this idiom in your life. So hope you like this video. We'll see you in the next video. Don't forget to subscribe my channel if you're new to my channel. We'll see you in the next video. Till then.